We are live. Are we live? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड लाइव क्लासेज। लाइव क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग बता दूं भाई, 1000 सीरीज़ क्वेश्चन चल रहा था। आज हम लोग करने वाले हैं 391 से 416 तक। तो आज के ये क्वेश्चन होंगे और हम लोग करीब 50% कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, SBI की तैयारी कर रहे हैं तो SBI फिट बैच और रीजनिंग का कोर्स और क्वांट का कोर्स ऑलरेडी अप है। इसको आप विवेक कोड यूज़ करके परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसका, बैंकिंग का, तो सुपर एलीट बैच है आप लोगों के लिए। जैसे कि अगर हम देखें तो अभी हमारे पास IBPS RRB की नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून लास्ट में। तो ये बैच भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसका भी फिट बैच लॉन्च हो चुका है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको बैंकिंग एलीट में आपको बैंकिंग इंश्योरेंस के सारे एग्ज़ाम, सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्री हो, मेंस हो, सेक्शनल हो, टॉपिक टेस्ट हो, हाई लेवल हो, डेली ग्रुप डिस्कशन हो, स्पीड इंप्रूवमेंट, सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, चलिए सॉल्व कीजिए। और गाइस जल्दी से फटाफट शेयर कीजिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। बताइए इसका आंसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, जल्दी इससे सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करेंगे, जैसे ये 40.05 है तो हम इसको 40% लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 430, तो मैंने 430 लिख दिया। प्लस इसको अगर हम देखें तो ये 441 के आसपास है, 441 के पास है। इसका मतलब ये 21 का स्क्वायर होता है तो 21 लिख दो। यहाँ पे 82 प्लस क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब मेन ये सॉल्व करना है। देखो परसेंटेज से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 का 40 से करोगे 160 और 12 172। 172 प्लस 21 माइनस 82, क्योंकि इधर ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब सीधे सीधे हम 8 इससे अगर हम घटा दें तो यहाँ पे आएगा 9 और ये 2 इससे कट जाएगा 90। 90 को इससे जोड़ दोगे तो 111। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिजिट दूसरे डिजिट पे बहुत डिपेंड होती है, उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 70% ऑफ दिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए आंसर। देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, 70%, तो मैंने यहाँ पे 70% लिखा ऑफ। ये 98 है तो 880 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 350 और इसको लिख सकते हैं 1106। बताओ किसी को कोई डाउट? अब चलो सॉल्व करते हैं। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 616। अब 616 इधर ये प्लस है तो इधर माइनस में चला जाएगा। तो 616 को इधर हम माइनस कर दें तो क्या आएगा, ज़ीरो। यहाँ पे 10 से जाएगा 9, यहाँ पे 10 4 490। तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगा 490 अपॉन 350 इंटू 100। तो देखो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, 7 से काटो 7 टाइम्स, 7 से काटो 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 140। 140 वुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। फटाफट बेटा सेशन को शेयर भी कर देना। 47 तो कट के आ जाएगा 140। ठीक है, तो बेटा ये जो हम लोग की सीरीज़ है इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज करेंगे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक करेंगे और 5 क्वेश्चन हम लोग डीआई के करेंगे। तो इस तरह एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। कहता है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल टू दिस। और अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा आसपास बना ले। देखो ये क्वेश्चन मार्क है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 4.96 तो ये कितना बनेगा 5 का क्यूब, ये क्या बनेगा 21 का स्क्वायर और ये क्या बनेगा 29। अब देखो साफ साफ सिंपल सा, ये कितना होगा 441, इसमें से 29 आएगा। तो इसमें से अगर हम 30 घटा देते 11 तो 412। अब इसका क्यूब क्या होता है बेटा 125 माइनस कर दो, बोलो 125 हम माइनस कर देंगे तो 125 माइनस कर देंगे आप तो यहाँ 12 में से गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ आ गया 2। अब ये किसके आस बराबर है 289 के आसपास है कि नहीं है, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा था तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो 17 के स्क्वायर रूट के आसपास आ रहा है तो आप 17 लगा देंगे। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट है तो आस ही पास लेना है, पूरा एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। सभी लोग फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। थर्टी फोर गुड। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करना है। बेटा देखो ये किसके आसपास है तो आप कहोगे 41 के आसपास है, और इसके बात करें तो ये 21 के आसपास है। -11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। अब इसको सॉल्व करना है तो आप पहले सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, आप क्या करोगे इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 820 हो जाएगा 861। 861 में से 11 घटाओगे तो 850। अब 850 यहाँ पे क्या है 25 तो 25 से डिवाइड कर दो तो भाई कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स 75 है ना, और कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 34। वेरी गुड, फटाफट 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 आंसर बताएं सभी लोग। क्लियर है, चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन लगने चाहिए कि ये पता चलना चाहिए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, कितने तैयार हो। बेटा देखो आरआरबी का नोटिफिकेशन जून में आ जाएगा बेटा, जून लास्ट में आरआरबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरआरबी का IBPS RRB है ना, पीओ क्लर्क आपको देखने को मिलेगा। तो भाई तैयारी रखो बेटा, बिफोर नोटिफिकेशन ही मेन तैयारी होती है, उस पर फोकस कीजिए थोड़ा। और जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को शेयर भी करें। देखो बेटा क्या है 19 इंटू ये 784, 784 से हमें क्या नज़र आता है 28। अब अगर इसकी बात मैं करता हूँ तो इसका आता है 14, तो 14 से अगर मैं इसको काटता हूँ 2 टाइम्स तो 19 2 सा होता है 38। डी ऑप्शन। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ से नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज है बेटा, बैठ के आराम से देखो और लगाओ क्वेश्चन। कहता है 30, 39, 57, 84, 128, 185। बताइए आंसर इसका। जल्दी से आंसर बताइए। आंसर बताइए। वन 28 कह रहे हैं कुछ लोग। चलो देखो बेटा कैसे करेंगे। अब ये 30 है तो मैंने यहां पे देखा तो यहां पे 9 एक्स्ट्रा हुआ, यहां पर देखा तो यहां पे प्लस करें, अगर 59 होता 20 यानी 18 ऐड हुआ। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां की अगर हम बात करते हैं तो 87 30 तो 3 कम 27। अरे ये तो 9 की टेबल दिखाई दे रही है। अब देखो 9 18 27, अब यहाँ पे 36 होना चाहिए तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो यहीं पे हमें गड़बड़ दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसकी भी बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 7, 5 57। तो ये दो नंबर गड़बड़ हो रहे हैं, है ना। तो क्या गड़बड़ हो सकता है, ये गड़बड़ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 36 करता और यहाँ पे 45 करता तो क्या एकदम सही होता, करके देखते हैं। इसको अगर मैं जोड़ता, इसको यहाँ पे जोड़ो तो कितना हो गया 10, ये 90, 120 आता। 120 में 45 ऐड करते हैं तो भी नहीं आता। बोलो हाँ या ना। तो ये बेटा ये पैटर्न तो नहीं है। अब बेटा कुछ दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। ये पैटर्न तो नहीं है, कोई दूसरा पैटर्न सोचते हैं। अब देखो बेटा क्या करना है, बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है 9, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ 4 118। यहाँ की अगर बात करता हूँ 7 14, यहाँ बच्चा कितना 7 2 27। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे कितना बचा 4 और 4 14, और यहाँ पे हमारा क्या बचा था, तो यहाँ पे हमने लिया कि 7 आ जाएगा 15 में से, यहाँ बचेगा 7, ये आ गया 57। अब कोई दूसरा ऑर्डर ढूंढते हैं। वो ऑर्डर नहीं है बेटा, वो ऑर्डर नहीं है कि जो ऑर्डर आप बता रहे थे वो ऑर्डर नहीं है, कुछ और देखते हैं। अच्छा अब अगर ध्यान से देखो बेटा, देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसके आसपास देखो कुछ। जैसे देखो यहाँ पे क्या ऐड किया गया है 5, यहाँ पे क्या ऐड किया गया है 5, यहाँ पे कितना ऐड किया गया है 9, और यहाँ पे कितना 16, तो 16, यहाँ पे कितना ऐड किया है 11। यहाँ पे अगर हम 44 को देखें, 44 25, अगर 45 होता 25 और 20, यहाँ पे 19 ऐड किया गया, और यहाँ पे 36, यहाँ पे 21। अब जरा देखो ध्यान से बेटा, देखो सोचना तो पड़ेगा, एक तरह नहीं आएगा तो हमको दूसरी तरीके से सोचना तो पड़ेगा। अब देखो 5 9 11, 5 9 11 नहीं बैठ रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 5 करता, यहाँ पे 9 करता तो यहाँ पे कितने गैप है 4 का, तो अगर मैं 4 का गैप करता, यहाँ पे 13 करता, फिर 4 का गैप 17 करता, और फिर 4 का गैप 21 हो जाता। यानी कि ये दोनों गड़बड़ हो रहे हैं, यानी कि 84 में गड़बड़ी है। तो 14 और 13 यानी 16 और 13 29 अगर मैं यहाँ पे ऐड करता, तो अगर मैं 29 ऐड करता तो ये होता 86। तो यहाँ पे देखो 25 35 में ऐड करो 42, तो यहाँ पे अगर मैं 42 ऐड करता तो इसमें 42 ऐड करो तो ये आ रहा है, और इसमें ये ऐड करो तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डर है, सोचना पड़ेगा। हाँ कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, बहुत चीज़ें होती हैं हमें बहुत इजी दिखती होती नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कई बार क्या बच्चे ये समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस करें बिना एग्जाम चले जाते हैं, तो वहाँ आप ख़त्म हो जाओगे, है ना। और मैं रोज़ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं रोज़ बोल रहा हूँ बेटा, डेली आप 10 AM आना शुरू कर दीजिए, डेली 10 AM बुलाना ना पड़े, नोटिफिकेशन हम नहीं भेज पाएंगे बार बार। चलो नेक्स्ट, रोज रोज नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएंगे। चलिए अगला बताइए, कहता है 231 175 54। अब देखो बेटा यहाँ पे सीरीज आप देख रहे हो, घटी बढ़ी, घटी बढ़ी, घटी बढ़ी, तो इसका मतलब एक टाइम पे एडिशन हो रहा है, एक टाइम में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है एक बार बड़े नंबर होते तो एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवीजन। चलिए हाय ऋषि, चलो बताओ। अब देखो बेटा यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो प्लस कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, तो 969 169, बताइए 160। इसकी बात करें तो घटा है कुछ, क्या घटा है, तो देखो बेटा 441। इसकी बात करें तो नहीं, यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे घटा है, साइन गलत लगा रहा है, ये घटा ये जुड़ा, अब फिर घटेगा तो 54 को इससे माइनस कर दो, ठीक है, इसको 54 को माइनस कर दोगे कितना आएगा 121। इधर क्या करें प्लस 100, इधर क्या करेंगे माइनस 81, ये गलत है, 75 नहीं होना चाहिए, 73 होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल था गाइस, एक बार सेशन शेयर कर दो यार, इससे कैसे चलेगा काम। आप लोग से विनम्र अनुरोध है सेशन शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा यार मोटिवेशन हमें भी दो यार, आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम तो वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर। अब इसको देखते ही पता लगा लो क्या होना है, देखते ही पता लगाइए। देखिए 21895 इतना बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन में साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का, और यहाँ पर होगा 6 का। ये मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता चल गया भाई किस नंबर से हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हमें पता चल गया किस नंबर से हो रहा है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो देखो, 6 दूना 12 यानी कि प्लस 6 हुआ, बोलो 18 पंचे 90 95 है। बताओ किसी को कोई डाउट है, बताते चलिएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और 36 80, ये 4 ऐड हुआ है, 4 तिया 12 3 12 3 15 होता है, ये गलत है, ये 11 66 गलत है, यहाँ पे आएगा 11 55। बताइए बेटा, देखो कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन आता है या डिवीजन आता है तो कभी छोटे नंबर से स्टार्ट ना करो, नोट करके लिख लो। जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है हमेशा स्मॉल नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, स्मॉल नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा बिगर नंबर से करना है, बड़े नंबर से हमेशा स्टार्ट करना है, बिगर नंबर से, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा, चाहे डिवीज़न हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। चलो नेक्स्ट, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए सभी लोग। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं ऋषि, अर्थमेटिक आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, बस आप डेली आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिखाने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा इसका गैप कितना है प्लस 6, इसका 18, इसका 36, इसका करें तो 61, इसका करेंगे तो मान लो अगर 120 होता और ये होता 90 89, थोड़ा सा वो करके है ना। चलो 89, यहाँ पर कितना बचा 26 126। अब कोई ऑर्डर दिखाई दे रहा भाई, कोई ऑर्डर दिखाई दे रहा? अब नहीं दिखाई दे रहा तो आप थोड़ा सा इधर से डिफरेंस ले लो। देखो बेटा इधर है 12, इधर है 18, 12 छः 18 यहाँ होना चाहिए था 24। ये गड़बड़ है, डबल डिफरेंस से लगेगा। अगर ये 24 होता तो यहाँ पे कितना होता 60 होता तो 120 होता, फिर यहाँ पे 30 होता तो ये डायरेक्ट 90 बन जाता, फिर यहाँ पे 36 होता तो ये डायरेक्ट 126 बनता। ये गलत है, इसकी जगह पे 120 आना चाहिए। बताइए क्लियर है? चलें आगे। भाई यार जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अभी तो ये तो दूसरा पार्ट, अभी इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अर्थमेटिक, देन डीआई। पूरा डीआई तक करना है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी जोश के साथ चलो बताओ। इसका आंसर बताइए। -4 + 1 17 55 125 241। देखिए कैसे करेंगे भाई। यहां पे डिफरेंस ले तो +5 हुआ है, यहां पे +16 हुआ है। देखिएगा ध्यान से, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 17 है, तो 7 गया 5 बचा तो 8 बचा, ठीक है। यहाँ 4 3 38। यहाँ की बात करें तो 0 70। यहाँ की बात करें तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से गया 3 बचा 1 और 1, ठीक है। कोई ऑर्डर बन रहा है बताइए? नहीं ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ पे देखा 11, यहाँ पे देखा 22, यहाँ पे होना चाहिए था 33। बोलो होना चाहिए था 33 है नहीं। यहाँ पे ये गलत है, इसकी जगह पे अगर हम 126 कर देते तो ये 71 बनता, 33 बन जाता, फिर ये 44 बन जाता। तो यहाँ पे होना चाहिए था 71। बताओ कोई डाउट या समस्या? नेक्स्ट बताइए भाई इसका आंसर। सभी बच्चे बताएं। ये तो भाई सभी लोग कर सकते हो आसानी से। बताओ फिर इसी बात पे जल्दी से आंसर। सिक्स एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं भाई? मेरे रूल याद रहे ना, एक्स और वाई। सबसे पहला फोकस हमारा होता है कोफिशिएंट पे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएगा। और जब दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो हमें डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम डिवीजन नहीं करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई किया 6 के फैक्टर 5 तो 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा -2 - 3, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। इधर वाले में आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई किया 6 तो फिर आया 2 और 3, लेकिन इस बार माइनस में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर तो -6 - 9। साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स बड़ा है। गुड, शाबाश। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट देखिए, यहां पे x लिखेंगे तो क्या आएगा +2 - 2। y दी पावर 5 है। जब भी पावर मल्टीपल में होती है तो हमेशा आप लोग क्या करते हो, पावर रूट लेते हो। जैसे ये 2 की पावर 5 है, अब इन दोनों की पावर 1/5 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो y कितना आ जाएगा +2, तो y ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा x के। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आंसर बताइए। देखिए एक तरफ x, ये तो इजी है, जल्दी जल्दी बता देंगे। 11 चाहिए तो +5 और 6, यहाँ पे भी प्लस आएगा। ये क्या होता है 7 8 जा 7 और 8 y बड़ा है ओरल गुड। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। नेक्स्ट अब इसको बताओ x लिखा y लिखा। अगेन सभी बच्चे ध्यान लगाएंगे, मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, ये इक्वल करने के लिए इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू उठानी है तो देखो बेटा 3 का मल्टीप्लाई करो 45 चाहिए 14 तो इसका फैक्टर बनेगा 9 और 5 दोनों ही पॉजिटिव, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 45 और 25। इसकी बात करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40, फैक्टर क्या बनेंगे 10 और 4 10 और 4 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 और 12। तो देखो बेटा इससे कंपैरिजन कराओगे तो ये बड़ा है, इससे कराओगे तो ये बड़ा है। रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश आरसीई। बिल्कुल कार्तिकेन, अरे कार्तिकेन बहुत दिनों बाद RCE आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा RCE। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। अगेन आपको वही करना है, दिमाग लगाना है। क्या करोगे इसमें भी एक तरफ x लिखेंगे और एक तरफ y लिखेंगे। अब आपने देखा इसका कोफिशिएंट 3 है इसका कोफिशिएंट 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 1 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है दोनों के कोफिशिएंट निकालने। तो कोफिशिएंट निकालते हैं, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 × 4 × 11 इसको ब्रेक कर लिया 44 को। अब चाहिए 21 तो 12 और 11 दोनों ही नेगेटिव होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो -48 -44 ये आ गया इसका फैक्टर। इसी तरह इसको 5 × 13 लिख सकते हैं और ये क्या है 4 है। हमें क्या चाहिए 30 तो 20 और 13 दोनों ही नेगेटिव आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो -60 -39। बोलो 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो इससे कंपैरिजन कराओगे ये बड़ा है, इससे कराओगे तो ये बड़ा है। रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। डिवीजन करने से अच्छा होता है कि मल्टीप्लाई कर लो। वेरी गुड ध्रुव। रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश RCE ना लिखा करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां से अर्थमेटिक और यहां से बेटा कोई बच्चा देखता नहीं। मैं मैराथन क्या, मैं अर्थमेटिक की पूरी सीरीज लाया था। कितने बच्चे आ रहे थे क्लास में? 10 बच्चे। तो मैंने कहा चलो 1000 क्वेश्चन कराते हैं, उसमें सब कुछ हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 40 क्या बोलते हैं 250 क्वेश्चन सबके हो जाएंगे। और बेटा PDF आपको मिलेगी यहां से। देखो इन अ बॉक्स देयर आर 5 मिंट फ्लेवर कैंडीज, 3 मैंगो फ्लेवर, 7 चॉकलेट फ्लेवर कैंडी, ठीक है। देखो 5 कौन से कलर किसकी थी? मिंट की। चलो ये बाद में कर लेंगे। कहता है 1 कैंडी इज पिक्ड अप रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नीदर मिंट कैंडी नॉर चॉकलेट। ना तो मिंट हो ना तो चॉकलेट हो, बताओ। ना तो मिंट हो ना तो चॉकलेट, अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी। कितना आसान है। कह रहा है ना मिंट हो, मिंट भी ना हो और चॉकलेट भी ना हो, तो मिंट भी नहीं होगी और चॉकलेट भी नहीं होगी तो कौन सी होगी? मैंगो। मैंगो हमारे पास 3 है, टोटल कितनी है 15। आंसर 1/5, काम खत्म। अब इसमें क्या टाइम लगाना? आंसर आ गया 1/5 पहला ऑप्शन। बताओ इसमें क्या टाइम लगाना? इसमें कोई टाइम लगाने की जरूरत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, देखें कितने लोग प्रॉफिट लॉस जानते हैं। बेटा C1 E1 करने की जरूरत नहीं है। बेटा जब 1 सेलेक्ट करने का होता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। भाई देखो 5C1 लिखोगे इसका वैल्यू 5 आएगा, यानी कि जब भी 1 सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। समझ गए बात? बेटा बिल्कुल क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के सामने जो एग्ज़ाम है, देखो एसबीआई की डेट और कुछ आई नहीं है और ये जाएगा अभी एसबीआई लेट, है ना। तो हम लोग सीधा फोकस करते हैं जिसकी डेट है हमारे पास, आईबीपीएस आरआरबी पीओ। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर। कहता है द सीपी ऑफ टू आर्टिकल टुगेदर, दोनों की मिला के इतनी, एक 15% लेस पे बेचा जाता है और इतने परसेंट प्रॉफिट बेचा जाता है। एसपी ऑफ आर्टिकल ए इज 40 मोर देन द सीपी ऑफ आर्टिकल बी। दो आर्टिकल हैं, अच्छा जरा करते हैं, देखो सीपी और एसपी पहले थोड़ा सा रेशियो बना के करते हैं। तो देखो बेटा पहले आर्टिकल को हमने क्या किया, 15% लॉस, 15% लॉस यानी कि सीपीएसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 20 और 17। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दूसरा आर्टिकल 20% प्रॉफिट। अच्छा 20% प्रॉफिट पे है तो 1/5, तो 5 का 6। कहता है द एसपी ऑफ आर्टिकल ए सीपी से कितना है, एसपी ऑफ आर्टिकल ए 17, सीपी ऑफ आर्टिकल बी इससे हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है 12, 40। इससे कुछ बन नहीं रहा रेशियो, अगर हम ऐसा ले भी लेते हैं तो ये 40 सेटिस्फाइड करेगा नहीं, ऐसे नहीं बन पाएगा, ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, ऐसे ना बनाओ। देखो बेटा हम बताते हैं कैसे बनाओ। देखो सीपी जो है ए का मान लो एक्स है अगर, तो बेटा जब ज़्यादा वो लगे ना तो हमेशा इसका सहारा ले लिया करो, -x हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एसपी ऑफ इसका एसपी क्या है 15% लॉस पे, तो 15% लॉस तो इसका एसपी हो जाएगा 17/20 ऑफ एक्स। ये मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, सीधे 85% ले लिया भाई, 15% लॉस है तो एसपी हो जाएगा और ये बराबर है सीपी ऑफ किसके, इसके, है ना। तो सीपी लिखो 14 0 -x से कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, तो +40 कर दो। बताओ हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको मैं सॉल्व करूँ कि आप कर लोगे, कर सकते हो आराम से। तो इसमें से ये जुड़ जाएगा 1480 हो जाएगा, 17x 20 का मल्टीप्लाई कर दो 3x इक्वल टू आ जाएगा 800। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 800, ये 800 है। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये 800 रुपीज़ है तो ये कितना हो जाएगा 800 चला जाएगा 640। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एसपी रेशियो एसपी ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। अब देखो आर्टिकल ए का क्या होगा 17/20 ऑफ 800 और इसका कितना हो जाएगा, इसका एसपी कितना हो जाएगा 640 टोटल था, उसको कितने बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे, तो 120%। सॉल्व कर दो, देखो ये 20 से काटो तो 40 बार, 40 से काटो तो ये जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा 6/5, 5 से काट दो तो 85 और 80, 85 और 80 आएगा, 85 और 80 आ रहा है यार, नहीं 96, नन ऑफ दीज ही आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, 16 × 96 होता है। बताइए सभी बच्चे, बताओ भाई कोई समस्या हो तो बताइए। क्लियर, नन ऑफ द दीज। चलिए नेक्स्ट, बेटा देखो ऐसे ही होता है, ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन हैं पीओ के, ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रीलिम्स में पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जाएंगे एसबीआई पीओ में भी। बताओ, कहता है एक ट्रेन 50% फास्टर है बी से और ट्रेन बी 20% लॉन्गर है ए से, The time taken by train A cross train B while running opposite direction is इतना. Then the ratio of the length of the train A and B. Length ट्रेन की लेनी है मीटर में और ट्रेन B की स्पीड लेनी है मीटर पर सेकेंड में, उसका रेशियो बताना. तो बताओ भाई, यहाँ तो सब कुछ ऐसा कर दिया कि रेशियो में दे रखा है, तो आपको मान मान के ही करना पड़ेगा. देखो बेटा, स्पीड का रेशियो अगर मैं A और B का निकालता हूँ तो स्पीड का रेशियो ये फास्टर है 50%, किससे? B से, तो 3:2 होगा. अगर मैं लेंथ का रेशियो A और B का निकालता हूँ तो वो क्या है? 20% लॉन्गर है, B लॉन्गर है, तो A अगर 100 हुई तो 20%, यानी कि 5:6 का रेशियो है. ठीक है, अब हमसे क्या कहता है? इफ़ द टाइम टेकन क्रॉस. अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक दूसरे को जब वो क्रॉस करते हैं तो आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो देखिए. सर दोनों की नहीं लिख सकते, नहीं रख सकते. अगर वो कह देता दोनों की सीपी सेम है तब हम रख सकते थे. उसने कहा सीपी अलग अलग है. मानसी बेटा, सीपी हम सेम नहीं रख सकते जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं. अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों की जोड़ दो. अब मान लो ये x के टर्म में है तो 11x. अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है तो 5y. इसको y के टर्म में मान लिया तो 5y. टाइम कितना है? 8.8. किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, समस्या हो यहाँ तक तो बताओ. यहाँ से अगर हम x/y निकालें, अगर तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ये देखो बेटा, इसका अगर हम 11 से काटें तो ये हो जाएगा 0.8. 8×5=40, 4/1, यानी ये 4 है तो ये 1 है. बताओ किसी को कोई समस्या? अब देखो बेटा, ये 4 और अगर ये 4 है तो ये 1 है, तो हमसे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ ट्रेन ए. ट्रेन की स्पीड क्या थी? 5x, तो 5×4. और ट्रेन की स्पीड बी 2y, y की वैल्यू 1, 2×1. 2 से ये 2 बार चला जाएगा, 10:1 आंसर. तो क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन को करना है, लगे चाहे ना लगे करना तो पड़ेगा ही. ठीक है बेटा, अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद DI है. DI इस बार स्पाइडर से DI है ना, स्पाइडर DI करेंगे आज. चलो नेक्स्ट बताइए. नेक्स्ट कहता है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंजीनियर एंड डॉक्टर इन द सिटी 6:7. द रिस्पेक्टिव रेशियो मेल टू फीमेल डॉक्टर इज इतना, मेल और फीमेल, एंड द डिफरेंस इज 18. तो बताओ हाउ मैनी इंजीनियर्स आर देयर. बहुत ही आसान है ये तो. ये क्लर्क प्री का क्वेश्चन है, ये क्लर्क प्री का क्वेश्चन है. जल्दी बताइए आंसर. कितना आसान है देखो, सीधा सीधा देखो बेटा. क्या कह रहा है कि देखो, मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर 3:4 दे रखा है, उनके बीच का अंतर 18 दे रखा है. तो टोटल डॉक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर तो मेल और फीमेल होंगे, तो डॉक्टर कितने हो जाएंगे? 7 × 18, ये टोटल डॉक्टर हो गए. अब क्वेश्चन कहता है इंजीनियर और डॉक्टर, डॉक्टर 7 है तो ये 8 6 है, तो सीधे सीधे 7 की वैल्यू ये हो गई, तो 7 7 कट गया, 1 की वैल्यू ये हो गई. आंसर आ जाएगा 18×6, 60 और 48. 60 और 48, 108. बहुत सही. चलो नेक्स्ट, चलिए DI देखिए. बेटा DI दिखाई दे रही है? थोड़ा सा ये लाइनें नहीं दिखाई दे रही होंगी ना, बीच की लाइनें नहीं दिखाई दे रही. मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, आप चेक कर लो. मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो बेटा मैं आपके लिए डेटा लिख देता हूँ ए, एक बार लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बी सी डी ई, कौन कौन से हैं, 2013, 2014, 2015, ठीक है। मैं डेटा लिख रहा हूँ, आप लोग बस नोट कर लीजिएगा। ए की बात करता हूँ तो 215 लिख रहा हूँ, रुक जाओ। ए की बात कर रहा हूँ तो ए में अगर हम देखें 2013 तो ये 250, फिर 10, 10, 20, यानी कि कितना है 350, ये कितना आ जाएगा 350, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कहाँ पे, एक ऊपर 800, इसकी बात करें एक दो ऊपर तो कितना हो जाएगा 600। मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आप उठा लीजिएगा, ठीक है। किसी किसी को दिखाई दे रहा होगा, किसी किसी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, सब लोग समझें। बी की बात करता हूँ, बी पे आ जाओ। सबसे पहले ये, तो ये यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 750 था तो उसके पहले, यानी कि ये 700 है, ये कितना है 700, नहीं एक ऊपर है शायद, रुक जाओ, ये 750 था तो ये हो जाएगा 750 है, लाइन जो है वो 750 की है, ये हो गया 750। अब नेक्स्ट वाला अगर हम देखते हैं ये, तो 750 से ये तीन कम है यानी 150 कम है, यानी 600, तीन कम है यानी 150। बेटा बफर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकदम साफ दिखाई दे रहा है। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, देखो 800, ठीक है, 800, 300, 450। बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन इसी करेंगे। 250, 750, 250, 750 और क्या है 700। लास्ट वाला देख लेते हैं, ई वाला क्या है 900। ये डेटा आराम से दिख जाएगा, आपके एग्जाम में होगा तो डेटा एकदम सही दिखेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 450। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये क्वेश्चन एकदम साफ दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है इसलिए आपको बीच की लाइनें नहीं दिखाई दे रही, नहीं तो दिखाई देता। अब देखो कहता है क्वेश्चन, चलो करते हैं। कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स स्टोर ए 14 और 15। ए में 14 और 15 को ले लो तो 1400। इसका डिफरेंस किससे पूछा है, नंबर ऑफ बुक्स डी 13 और 15 तो 13 और 15 तो 7 दो 9 साढ़े 900, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 450, ये आंसर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी डेटा से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो मैं बताऊं कैसे देखा जाता है। जैसे देखो बेटा ये 250 है और इसके बीच गैप कितना है 1 2 3 4 5, तो यानी कि 1 गैप कितने के बराबर हो रहा है 50 के बराबर हो रहा है। 1 गैप हो रहा है 50 के, और ये जो लाइनें हैं ये डार्क वाली लाइनें हैं, ये 250 250 250 पे है, 250 250 पे। जैसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी बुक्स सोल्ड फ्रॉम बी डी ई 2014। अब 2014 में हमें टारगेट करना है और हमें लेना है बी डी और ई। बी में आओ 2014 येलो वन, तो बेटा ये 500 है, 500 से एक दो ऊपर है, एक की वैल्यू 50 थी, दो ऊपर है तो कितनी हो जाएगी 600। बोलो कितनी हो जाएगी 600, तो मैंने यहाँ पे लिखा 600 प्लस डी। डी में आ जाओ, डी में येलो देखो बेटा ये 250 है, ये 350 और ये कितना हो गया 750, तो 750 लिख दिया यहाँ पे। ई की बात करते हैं, ई में आ जाओ तो देखो ये 250 500, 500 से दो ऊपर, 500 टू ऊपर यानी 100 ऊपर यानी 600, इसको जोड़ दो 12 7 19, 1950, काम खत्म। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड बी 2013 ए प्लस बी। तो चलो करते हैं 2013 में जाओ, 13 मतलब ग्रीन वन, ए में आओ 250, 1 2 एक्स्ट्रा यानी कि 350। तो मैंने यहाँ पे लिखा 350 प्लस अब हमें किस में जाना है, बी में। बी में आ जाओ ग्रीन, ग्रीन है 750, 750 तो कितना हो गया 1100। तो बेटा यही आंसर है, आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 11 से और कोई कटने वाला नंबर नहीं दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर है मेरा, यहीं से आ गया। लेकिन करना है तो कर लो। अब क्या कह रहा है 2015 में हमें चाहिए बी और डी, चलो बी और डी को ले लेते हैं 15 में। तो बी को लो, अच्छा 15 मतलब येल्लो वन, 250 500 तो हो गया ये 500। डी में देखो, डी में क्या देखना था 15 क्या है 250 500, ये इससे एक कम है, 7.5 से एक कम है यानी 700 यानी कितना हो गया 1200। अब 1200 से 2 0 कट जाएगा, 11:12 आंसर आ भी गया। वैसे थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़े से प्रोएक्टिव हो जाओगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, क्या समझे? ठीक है चलो, अब कर लोगे ना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। बेटा पीडीएफ यहां मिलेगी, याद रखिएगा सभी लोग, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बता दो। प्रोएक्टिव मतलब होता है कि थोड़ा सा ये दिखाओ कि अगर कोई नंबर मिल रहा है, जैसे कोई भी प्राइम नंबर मिल रहा है तो आपको पता है प्राइम नंबर किसी से कटता तो है नहीं, तो उस प्राइम नंबर से देखो कि ऑप्शन में वो प्राइम नंबर के मल्टीपल या प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, उसे वहाँ से काट के निकल जाओ। संजय सिंह देखो, राहुल 4 ईयर्स यंगर है रोहित से, जो कि विराट से 1 साल यंगर है। The average of present age of Virat Dhoni is 32 years. The ratio of the present age of Rohit and Dhoni is इतना. Then what is the average of all 4 person? अब देखो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, राहुल पे, क्योंकि राहुल से ही सब निकल रहे हैं। अच्छा मैंने राहुल की एज मान ली, राहुल की मान लो x, अब राहुल से रोहित की निकल आएगी तो मैंने रोहित की मान ली, तो रोहित की कितनी हो जाएगी, 4 साल यंगर है ये, तो रोहित कहीं ना, अगर राहुल रोहित से यंगर है यानी कि रोहित बड़ा होगा, जो कि विराट से छोटा है तो विराट क्या हो जाएगा 1 साल बड़ा यानी x+5, जो कि अब आगे कुछ दे रहा है, आगे कुछ नहीं दे रहा है। कह रहा है कि धोनी और विराट, धोनी प्लस विराट का जो एवरेज एज था 32 यानी सम हो गया, विराट को यहाँ रख दो, तो धोनी की धोनी प्लस x+5 = 64, तो धोनी की एज क्या आ जाएगी, धोनी की एज आ जाएगी, ये 5 माइनस करो तो 59 - x, ये तीनों की एज आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो दे रखा है रोहित और धोनी का, रोहित है x+4 और धोनी कितना है 59 - x, इनका रेशियो दे रखा है 3/4। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ x, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ x, निकालो x की वैल्यू आ जाएगी 23। अब x की वैल्यू आ गई 23 तो राहुल हो गया 23, रोहित हो जाएगा 27, विराट हो जाएंगे 28, धोनी हो जाएंगे 59 में से 23 माइनस करो तो 636। अब इनका एवरेज ले लो। देखो बेटा अब कहते नहीं है कि अभी तुम पूछे तो प्रोएक्टिव क्या होता है, प्रोएक्टिवनेस क्या होती है, देखो बेटा कैसे होगी। देखो बेटा ये कट रहा है 4 से 7 बार, ये कट रहा है 9 बार, अब ये दोनों नहीं कट रहा है, ये जुड़ के कट रहा है 10 बार, ये इसका एवरेज हो गया, ये इसको इससे जोड़ो 16, 26 ईयर्स। ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब कई लोग हैं इसको जोड़ने में लग जाते हैं, जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे। अरे क्यों करोगे, जब दो नंबर 4 से डिवाइड दिख रहा है, इनका सम डिवाइड दिख रहा है, तो 10 7 9 कर लो। ठीक है, तो जरूरी नहीं जोड़ के डिवाइड करो, सीधा ये भी कर सकते हो, पहले डिवाइड कर लो फिर जोड़ दो, है ना। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। चलो तो बेटा देखो बैचेज आ गए, आप लोग बेटा सुपर एलिट परचेज कर लीजिए, जिसपे कि IBPS PO का ऑलरेडी RRB PO का बैच फिट बैच चल रहा है, और आने वाले कई कोर्स बहुत ज़्यादा प्लान है, तो इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप कई सारे कोर्स आने वाले हैं। मैं एक DI का भी कोर्स लाने वाला हूँ। अच्छा ऑप्शन आंसर मैंने गलत निकाल दिया क्या? अच्छा तो गलत लिख दिया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? 7 9 चलो चेक कर लेना, 7 3 10। अरे वो मैंने भावनाओं में बह के वो उसको जब 7 और 3 दिखा उसको 0 बनाने के चक्कर में चला गया। चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा DI का कोर्स आएगा, तो बहुत सारे कोर्स लेने से अच्छा है सुपर एलीट ले लो, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी जगह इसी समय। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।